बिजली के नारकोटिक्स दस्ते के स्टाफ ने एक शराब तस्कर को किया गिरफ्तार। 20 अप्रैल को एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड पूर्वी जिला दिल्ली के हेड कांस्टेबल सुरेंद्र को क्षेत्र में एक बूटलेगर के आंदोलन के संबंध में एक गुप्त सूचना मिली थी। उसी के आधार पर इंस्पेक्टर के नेतृत्व में एएसआई कुलदीप सिंह, एएसआई ओम सिंह, एएसआई देवेंद्र, हेड कांस्टेबल सुरेंद्र और हेड कांस्टेबल लखन की एक समर्पित टीम बनी। गुप्त सूचना के अनुसार डीडीए पर खिचड़ीपुर दिल्ली में छापा मारा गया और एक व्यक्ति राहुल को कर्मचारियों द्वारा उसकी स्विफ्ट कार के साथ पकड़ा गया। तलाशी के दौरान कार से 16 कार्टन अवैध शराब जिसमे कुल 800 क्वार्टर बोतल बरामद की गई। तदनुसार प्राथमिकी धारा और दिल्ली आबकारी अधिनियम के तहत थाना कल्याणपुरी में मामला दर्ज किया गया और जाँच की गयी थी। लगातार पूछताछ पर आरोपी राहुल ने खुलासा किया कि वह पिछले 2 वर्षों से अवैध शराब की आपूर्ति के कारोबार में है। शराब खरीदना और यह सुनिश्चित करना है कि इसे सुरक्षित और गुप्त रूप से त्रिलोकपुरी दिल्ली लाया जाए, जहां वह इसे दिल्ली के त्रिलोकपुरी और कल्याणपुरी के क्षेत्र में बेचता था। फिलहाल आगे की जाँच की जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली।